नोट कर लीजिए इसे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया गया है परचेज ट्रांजेक्शन विथ एडिशनल कॉस्ट डिटेल इन बाउचर मोड, ठीक है। यानी बाउचर मोड में हम एडिशनल कॉस्ट का यूज कैसे करेंगे, वो चीज हम लोगों को यहाँ पे समझना है। दिया है इन दिस सेक्शन वी विल लर्न टू रिकॉर्ड परचेज ट्रांजेक्शन बाय एलोकेटिंग एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज लाइक पैकिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टू द स्टॉक आइटम वैल्यू मैनुअली इन परचेज वाउचर मोड। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमें इसकी जो एंट्री करनी है वो एंट्री करनी है हमको वाउचर मोड में। तो सबसे फर्स्ट काम हम लोग करेंगे अपनी कंपनी को ओपन कर लेंगे। ठीक, यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया 10.1 वाली कंपनी और यहाँ पे आ गए हम अल्टर में। और अल्टर में आने के बाद हमको बाउचर टाइप पर जाना है और बाउचर टाइप पे जाने के बाद सबसे पहले सेलेक्ट करना है परचेज। और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ट्रैक एडिशनल कॉस्ट फॉर परचेज, ये वाला ऑप्शन ट्रैक एडिशनल कॉस्ट फॉर परचेज से करना है यस। जब इसे यस करेंगे तभी एडिशनल कॉस्ट का फीचर आपका काम करेगा। तो कंट्रोल ए से हम इसको करेंगे सेव। कहाँ पर गए थे हम, गए थे गेटवे ऑफ टैली से अल्टर में, अल्टर में बाउचर टाइप, क्योंकि इसका इफेक्ट हमें परचेज बाउचर में देना है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे परचेज, ये हो जाएगा हमारा क्या परचेज। और परचेज पे आने के बाद हमें यहाँ पे सबसे पहला काम ये करना है ट्रैक एडिशनल कॉस्ट वाले ऑप्शन को कर देना यस, और यस करके कर देना इसको एक्सेप्ट। इसको एक्सेप्ट करने के बाद हम बाउचर में आ जाएंगे और बाउचर में आने के बाद F9 से परचेज बाउचर में आ जाएंगे। सबसे फर्स्ट आपसे पूछा जाएगा सप्लायर का इनवाइस नंबर बताइए, तो हमारे केस में जो इनवाइस नंबर है नहीं दे रखा है क्या, कोई इनवाइस नंबर नहीं दे रखा है, तो आप इनवाइस नंबर अपनी तरफ से कुछ भर दीजिए। यहाँ पर पार्टी का नेम दे रखा है यहाँ पर क्या, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन हाँ एक चीज और ध्यान देना, बाउचर मोड में यूज करना है, तो हम चेंज मोड में जाएंगे और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे एज बाउचर। और एज बाउचर मोड में जैसे आप जाएंगे तो आपने कंसेप्ट पढ़ा है देने वाला क्रेडिट होता है, हम सैमसंग से खरीद रहे हैं तो वो क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और इसके लेजर को कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। और अमाउंट हम यहाँ भर देंगे कितना रुपए का, ये टोटल आ रहा है 13,000, 13,84,000 का। तेरह चौरासी हमें एंट्री कितना करना है, 13,84,000 का, तब यहाँ भर देंगे 13,84 हो जाएगा। फिर हम न्यू रेफरेंस में आके इसको एक्सेप्ट करेंगे, डेबिट करेंगे परचेज का अकाउंट। अब पूछा जाएगा नेम ऑफ आइटम, तो हमारा जो आइटम है वो सैमसंग 8 kg टॉप लोड वॉशिंग मशीन, हमने सेलेक्ट कर लिया 8 kg टॉप लोड वॉशिंग मशीन। ठीक, गोडाउन हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ दे रखा है गोरखपुर लोकेशन, सेलेक्ट कर लेंगे। क्वांटिटी कितना दे रखा है, 20 पीस, रेट दे रखा है 18,000। अब टाइप ऑफ कॉस्ट, तो देखिए यहाँ बोला जा रहा है एडिशनली सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक इम्पोज एक्स्ट्रा पैकिंग कॉस्ट ऑफ ₹10,000। 10,000 रुपये आपका क्या है, पैकिंग कॉस्ट है, लेकिन उनमें से जो 4,000 कॉस्ट है वो आपका 8 kg टॉप लोड के लिए है और जो 6,000 कॉस्ट है वो 8 kg फ्रंट लोड के लिए है। तो अभी हम किसको एंट्री कर रहे हैं, टॉप लोड का, तो टॉप लोड का पैकिंग चार्ज कितना है, 6,000 रुपये। तो हमें यहाँ सेलेक्ट कर लेना है पैकिंग चार्ज, ठीक है, दिया है नहीं दिया है, तो अल्ट सी से हम क्रिएट करेंगे और इसका नाम दे देंगे पैकिंग चार्ज, पैकिंग चार्ज। अब पैकिंग चार्ज का जो लेजर बनेगा वो बनेगा अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और देखिए पैकिंग चार्ज का लेजर आपको किस तरीके से बनाना है ये नोट्स में आपको दे रखा है।
देखो पैकिंग चार्ज आपने कर दिया और इसको कर लिया डायरेक्ट एक्सपेंस में, और टाइप ऑफ लेजर आपने कर दिया नॉट अप्लीकेबल, तो यहाँ पे हम कर देंगे टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल और इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। तो पैकिंग कॉस्ट कितना है हमारा, 6,000 रुपये। ये 8 kg टॉप लोड के लिए, 8 kg टॉप लोड लिखा है, 4,000 फॉर सैमसंग 8 kg टॉप लोड वॉशिंग मशीन, यानी कितना है 4,000 लिखा ना, ₹4,000 फॉर सैमसंग 8 kg टॉप लोड वॉशिंग मशीन, तो ये हो जाएगा कितना 4,000। अब ध्यान समझने वाली बात, ये इंटर करेंगे फिर इंडा लिस्ट पे आएंगे। अब ध्यान समझने वाली बात है, देखो हमने पैकिंग चार्ज कितना दिया, 4,000 रुपये, कितने पीस के लिए दिया, 20 पीस के लिए। अगर 20 पीस खरीदने में हमने 4,000 का पैकिंग चार्ज दिया तो 1 पीस का पैकिंग चार्ज कितना हो जाएगा, फिर से सुनिए, 20 पीस का पैकिंग चार्ज हमारा है 4,000 रुपये, तो 1 पीस का पैकिंग चार्ज, हाँ देखो कैलकुलेटर यूज कर लीजिए यहाँ पर, अगर आपको नहीं काम कर रहा है तो आप 4,000 और भागे 20 कर दीजिए, 4,000 और डिवाइड बाई 20 कितना, ₹200। इसलिए यहाँ देखो कॉस्ट आपका कितना दिख रहा है, एक्चुअल कॉस्ट दिख रहा है ₹18,200। बात समझ आया, एक्चुअल 18,200 क्यों दिख रहा है बताइए, क्योंकि 4,000 रुपये उसका एडिशनल कॉस्ट था, और 4,000 रुपये जो हमने कॉस्ट दिया वो 20 पीस खरीदने के लिए दिया, तो 1 पीस का जो कॉस्ट बढ़ेगा वो ₹200 बढ़ेगा, उसका पहले कॉस्ट कितना था 18,000, तो 18,000 में ₹200 और आके जुड़ जाएगा, टोटल हो जाएगा 18,200। बस में कहाँ से आ रहा है, चलिए इंटर करिए। फिर अब सेकेंड आइटम हमको सेलेक्ट करना है, तो जैसे हम यहाँ से इंटर करके आगे बढ़ेंगे सेकेंड आइटम से पूछा जाएगा, सेकेंड आइटम हमारा हो जाएगा सैमसंग 8 kg फ्रंट लोड, यही है ना, और यहाँ पे गोडाउन हम सेलेक्ट कर लेंगे गोरखपुर लोकेशन, क्वांटिटी कितना है 20 पीस, रेट कितना है 40,000। अब यहाँ पे एडिशनल कॉस्ट हमें सेलेक्ट करना है, पैकिंग चार्ज कितना है 6,000, ठीक है इंटर करेंगे, तो यहाँ पर भी देखिए इसका चार्ज क्या हो गया, बढ़ गया, थोड़ा सा बैग जाके हम इंटर कर रहे हैं, देखिए ये देखो इसका भी पैकिंग चार्ज हमारा कितना हो गया 6,000 रुपये, इसका भी पैकिंग चार्ज हमारा बढ़ गया। इंटर करिए, इंडा लिस्ट पर आ जाइए, ग्यारह सत्तर क्यों आ रहा है और यहाँ 13,84 क्यों दिख रहा है, देखो देखिए ओ अभी ट्रांसपोर्टेशन भी जोड़ना है, अभी ट्रांसपोर्टेशन भी उसके जुड़ेगा, अभी ये तो जो एंट्री हमने किया था वो किसका किया था, पैकिंग का, इसके साथ ट्रांसपोर्टेशन भी जोड़ना है, लिखा है द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ द 14,000 एलोकेट द अमाउंट बेस्ड ऑन द क्वांटिटी, क्वांटिटी के आधार पर इसका क्या करना है, निर्धारण करना है, ठीक है, तो 14,000 रुपये इसका कॉस्ट दिया जा रहा है, ठीक, तो चूंकि देखो दोनों की क्वांटिटी बराबर है, 20 पीस ये भी है और 20 पीस ये भी है, यानी 20 पीस ये और 20 पीस ये, टोटल का कॉस्ट कितना दिया जा रहा है 14,000 रुपये, तो जब क्वांटिटी दोनों की बराबर है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी दोनों पे इक्वल डिवाइड हो जाएगा, तो हम इस पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जोड़ देंगे 7,000 रुपये, और सेकंड वाले पे भी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितना जोड़ देंगे 7,000 रुपये, उस 7,000 रुपये कॉस्ट हमें दोनों पर जोड़ना है तभी ये एंट्री बराबर आएगा। तो चलिए हम वापस आते हैं टैली पर, और टैली पर आने के बाद
एक एक आइटम पे हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में ट्रांसपोर्टेशन का ध्यान ही नहीं रहा। जहां पे आपने पैकिंग चार्ज जोड़ा है 7,000 रुपये, उसी के नीचे आप सिलेक्ट करिए ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज को हम फ्रेट बोलते हैं, इसलिए फ्रेट हमने सिलेक्ट कर लिया और इसका अमाउंट हो जाएगा कितना, 7,000। यह अलग से एक लेजर हम बना दे रहे हैं एलसी से, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये भी हो जाएगा अंडर ग्रुप डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक। और इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, 7,000। तो टोटल एडिशनल कॉस्ट आपका कितना हो गया, 11,000। इंटर करके आगे बढ़िए। सेकेंड आइटम में भी आपका जुड़ जाएगा पैकिंग चार्ज, यहाँ जुड़ा है, इसी के साथ आपको क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी जोड़ देना है। कितना, 7,000। अब हो गया आपका, हाँ, 13 लाख ही हो गया। अभी 2 लाख रुपए का अंतर क्यों आ रहा है इसमें? यहाँ आ रहा 3,71। अच्छा, क्वांटिटी 25 पीस ने दे रखा है, क्वांटिटी चेक करिए, 25 पीस है क्या? इसको 25 करेंगे तभी सही एडजस्टमेंट आएगा ये। इसको बना लीजिए 25। और ये 40,000 का गुणा करिए 25 में, कितना आ जाएगा, 40,000 गुणे 25। ठीक, 10 लाख, ये अमाउंट सही है, ये अमाउंट सही है। आपको केवल यहाँ रेट चेंज कर देना है, कितना, 25,000। ये अमाउंट आपका सही है, यहाँ 20 की जगह कर देना है 25। तो चलिए, हमने यहाँ 20 की जगह क्या कर दिया, 25 कर दिया। अब देखो, हमारा एंट्री हो गया बराबर, और इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। अब वापस अगर स्टॉक समरी में हम जाएं, देखो स्टॉक समरी में वापस जाएं, और यहां पे हम सिलेक्ट कर लें आइटम वाइज, तो ये जो दोनों आइटम ने खरीदा था अभी जस्ट, सैमसंग 8 kg टॉप लोड और 1 kg फ्रंट लोड, इनके रेट हमारे बढ़ जाएंगे। 8 kg टॉप लोड और 8 kg फ्रंट लोड, ये देखो, ये फ्रंट लोड का दाम हो गया 40,520 रुपये, जबकि हमने खरीदा कितने में था, 40,000 में। तो 520 रुपये दाम किस लिए बढ़ गया, क्योंकि इसमें पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट आके जुड़ गया, और यही काम हमको करना था। पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट ला के इसमें क्या कर देना था, ऐड कर देना था। हम 8 kg टॉप लोड देखो दे रखा 18,000, और यहाँ पे देखिए 8 kg टॉप लोड आपको दिख रहा है 18,550, तो इसका भी चार्ज कितना बढ़ गया, 550 रुपये। क्यों, क्योंकि इसमें पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट जुड़ा हुआ है। पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट इसमें क्या है, ऐड, इसलिए जो है इसका दाम यहाँ पे बढ़ गया। बात समझ में आ रहा ना, यही चीज हमें ध्यान देना है। तो एंट्री करनी है, एंट्री करने के बाद हमें स्टॉक समरी में जाना है, और यहाँ हमको देखो दोनों का कॉस्ट बढ़ा हुआ दिखाई देगा, यही चीज चेक कर लेनी है। अब ऑब्जर्वेशन देखो, लिखा है ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ द बोथ स्टॉक आइटम इज चेंज,
सो फॉर द स्टॉक आइटम सैमसंग 8 kg टॉप लोड वॉशिंग मशीन द रेट इज डिस्प्लेइंग इन रुपीज 18,550 इंस्टेड ऑफ 18,000, यानी इसका दाम 18,000 के बजाय कितना दिखेगा, 18,550 दिखेगा। बिकॉज द ट्रांसपोर्टेशन चार्ज एंड पैकिंग चार्ज इज एड इन परचेज वैल्यू, स्टॉक समरी रिपोर्ट से हमको दिखाई देगा इसकी वैल्यू दोनों में क्या हो जाएगी, चेंज दिखेगा। अब इसके बाद हमें ये देखना है कि हम परचेज ट्रांजेक्शन में एडिशनल कॉस्ट को कैसे जोड़ेंगे आइटम इनवाइस मोड में, ठीक है, ये कल आपको बता दिया जाएगा। परचेज ट्रांजेक्शन में एडिशनल कॉस्ट को हमें जोड़ना है आइटम इनवाइस मोड।